तो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर इन केस आपकी सर्विस ओवरलैप होती है। ओवरलैप इन द सेंस कि आप करंट कंपनी में जॉब कर रहे थे, आपको दूसरा ऑफर लेटर मिल गया, ऑफर लेटर मिलने के बाद आपने वो कंपनी भी स्टार्ट कर दी, तो उस केस में आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है नेक्स्ट कंपनी में या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं, सर्विस ओवरलैपिंग दो रीजन की वजह से होता है। या तो आप एक जानबूझ के करते हैं कि आपको पता होता है कि कंपनी में हम करेंटली वर्किंग हैं और नेक्स्ट कंपनी हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसमें भी हम वर्किंग ही रहेंगे जिस भी किसी डेट को आप ज्वाइन करते हो। एंड जो सेकेंड रीजन एक क्या होता है, जो कि बहुत कम केस में होता है या बहुत कम केस में कंपनीज करती हैं, वो होता है कि आपने जैसे कोई कंपनी रिजाइन करी, वहाँ से आपने वहाँ से वर्किंग छोड़ दिया, बट वो कंपनीज क्या करती हैं कि कोई पर्टिकुलर एबीसी कंपनी है, वो क्या करेगी कि आपका पीएफ लेट अपडेट करती है। मतलब डेट ऑफ एग्जिट जो होता है वो लेट अपडेट अगर हुआ है आपकी प्रीवियस कंपनी में, तो वो आपका वहाँ पे केस बन जाता है सर्विस ओवरलैपिंग का। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जब वो सर्विस ओवरलैपिंग का केस बन जाता है, तो होता क्या है कि जब आप किसी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, वहाँ पे आपका ओवरलैपिंग की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है कि आपको टर्मिनेट कर दिया जा सकता है या आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैंसिल कर दिया जा सकता है और वहाँ से आपको सर्विस से भी हटा दिया जाता है। तो क्योंकि अगर आप किसी एक एमएनसी कंपनी में जाओगे, फॉर्च्यून 500 की कंपनी में जाओगे, तो वहाँ से आपको अगर सर्विस आपकी ओवरलैप है तो आपको बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि आपको वहाँ पे जॉब मिलेगी, आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। हाँ, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर आ गया कि आप कहीं ज्वाइन करो, 10, 20, 50 एम्प्लॉय हैं, 30 एम्प्लॉय हैं, आप वहाँ पर ज्वाइन कर रहे हो, तो वो एक बात अलग होती है, वहाँ पर कई बार कंसिडर कर भी लेते हैं। अब हमें इससे बचना कैसे, हम वो बात कर ले। जहाँ पे सर्विस ओवरलैपिंग हो रही होती है, तो पहला जो आपने किया है तो आपको वो अपने एंड से खुद देखना पड़ेगा कि जब कंपनीज में आप जा रहे हो तो आपको सर्विस ओवरलैप नहीं करनी है। अगर इन केस उसके बाद भी हो गया, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट का एक ही सलूशन होता है कि आप या तो अपनी प्रीवियस कंपनी को बोलो कि आप मेरा पीएफ जो डेट ऑफ एग्जिट है वो उसको घटा दें, या नेक्स्ट कंपनी को आप बोलो कि जो मेरी ज्वाइनिंग है वो थोड़ा सा आगे की दिखा दें। दो दो केस होते हैं। और इन केस अगर आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन ने अगर आपका पीएफ गलत डाल दिया है, डेट ऑफ एग्जिट गलत डाल दिया, तो उस केस में आप कंपनी से बोलो, उसके ऊपर प्रेशर बनाओ। अगर वहाँ से भी नहीं होता है तो आप पीएफओ डिपार्टमेंट जाके वहाँ पे भी आप अपनी डेट ऑफ एग्जिट करेक्ट करवा सकते हो। जो पीएफ स्टोर होते हैं या मतलब जो पीएफ की शॉप्स होती हैं, जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होते हैं, तो वहाँ पे जाके आप अपना पीएफ अपडेट करा सकते हो, अपना पीएफ करेक्ट करा सकते हो। तो होपफुली दोस्तों, इस वीडियो में आप समझ गए हो कि सर्विस ओवरलैपिंग में क्या होता है और उसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।